लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध मादक एवं नशीले पदार्थों की रोकथाम एवं आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में चौटन पुलिस ने टीम के साथ सोमवार रात मादक पदार्थों की बरामदगी के लिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने नेत्राड़ के साइयों का तला सरहद में मोतीलाल के घर पर दबिश दी, जहां अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने मोतीलाल को दस्तयाब कर पूछताछ की और घर की तलाशी लेने पर वहां छिपाकर रखा 85 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। चौटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में चौटन पुलिस उपाधीक्षक कृतिका यादव ने टीम के साथ सोमवार रात मादक पदार्थों की बरामदगी को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक कृतिका यादव क्षेत्र में लगातार अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वृत्ताधिकारी कृतिका यादव ने बताया कि सोमवार रात उन्हें मुखबिर के जरिए इत्तला मिली कि एक स्थान पर अवैध मादक पदार्थों का भंडारण कर खरीद फरोख्त की जा रही है। सूचना मिलने के साथ ही उन्होंने पुलिस के साथ नेत्राड़ के साइयों का तला सरहद में मोतीलाल के घर पर दबिश दी, जहां अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि मोतीलाल को दस्तयाब कर पूछताछ की गई और घर की तलाशी ली गई, तो वहां छिपाकर रखा गया 85 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। डोडा पोस्ट बरामद होने पर पुलिस ने माल को जब्त कर आरोपी मोतीलाल पुत्र धनाराम जाट निवासी साइयों का तला नेत्राड़ को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, आईजी रेंज साहब के स्तर पर और एसपी साहब के स्तर पर नशीले पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान हमारे जिले में चलाया जा रहा है, जिस पर मुझे और मेरी टीम को जब सूचना मिली तो हम नेत्राड़ मोतीलाल के मकान में गए, तो वहां पर हमको 85 किलो डोडा बरामद हुआ, तो इसमें हमने एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस उपाधीक्षक कृतिका यादव ने बताया कि इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध चौहटन पुलिस थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा डोडा पोस्ट की खरीद फरोख्त को लेकर आगामी अनुसंधान के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई में एएसआई बीजराज सिंह, महिपाल सिंह, हेड कांस्टेबल गोपी किशन, कांस्टेबल अनूप कुमार, हेडवंताराम सुमेर लाल, महिला कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल चूनाराम भरोसीलाल शामिल रहे।